सत्संग जी प्यार से बोलिए, धनकार जी आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। विषय है कर्तव्य। सत्संगत कर्तव्य हर समय अपने दायित्व, अपने कर्मों, अपनी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। सत्संगत की हमारी दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है और हमारे कर्म क्या होने चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य की ओर ही इंगित करता है। सत्संगत कर्तव्य में दो बातें आती हैं। एक तो हम जो नित्य प्रति के कर्म कर रहे हैं वो भी एक कर्तव्य है, और एक आवश्यकता अनुसार कर्तव्य होता है। जब जैसी भवितव्यता वैसी मिली सहाय। परमात्मा सबके लिए बराबर हैं और जिसे जिस चीज की आवश्यकता होती है परमात्मा उसे वो चीज उपलब्ध कराते हैं। परिवार का मुखिया बच्चों के लिए, बच्चों को अगर पढ़ाई में पाठ्यक्रम के चीज़ें चाहिए तो वो माता पिता उपलब्ध कराते हैं, कपड़े खाना। माता पिता की बहुत जिम्मेदारी माता पिता ही कर्तव्य के रूप में निभाते हैं। और सत्संगत ठीक उसी तरह से नैतिकता जिसके जीवन में बस जाती है कि क्या करना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, कब कौन सी चीजें उचित हैं, तो सत्संगत जीवन की सुंदरता का चार चांद लग जाता है। इसे कर्तव्य कह सकते हैं। रोते को हंसाना, उजड़े को बसाना, बिछड़े को मिलाना, जहां भी सेवा का दायित्व आता है वहां पे अपने आप को समाहित कर लेना परम कर्तव्य कहा जाता है। सत्संगत कभी कभी हमने महापुरुषों के वचनों को पढ़ा भी है और सुना भी है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम सेवा नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, नैतिक कर्तव्य था, नैतिक जिम्मेदारियां थी, सो हम कर रहे हैं। पर उपकार, सत्संगत पर उपकार के लिए भी कहे तो महापुरुषों ने समझाया, तरुवर सरवर संतजन तीजा वर्षे मेह, कि इनकी तरह अगर हम कर पाएंगे तब जाके हम परोपकारी कहे जाएंगे। तो इतना तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जितना कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। देख रहे हैं ठंड का मौसम अपनी चरम पर है और इतना ठंड बढ़ गया है कि उत्तर भारत में 3 डिग्री 4 डिग्री के टेम्परेचर चल रहे हैं। सत्संगत यहाँ पे हम सालों साल सेवाएं करते रहे हैं लेकिन सत्संगत हमारा कर्तव्य अभी क्या है? अभी उन जरूरतमंदों के लिए कपड़े, उन जरूरतमंदों के लिए भोजन, सहज ही अगर हम कर सकते हैं तो करें, क्योंकि सत्संगत इस मौसम में परमात्मा सबका ख्याल रखते हैं लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं किसी के जीवन में सहायक बनने का, ये हमारा कर्तव्य है। और हम कर्तव्य समझ के अगर किसी का साथ देते हैं, किसी को अगर कंबल देते हैं, किसी को अगर कपड़े देते हैं, किसी को अगर खाना देते हैं, तो सत्संग कहते हैं परमात्मा खुश होगा। और परमात्मा अगर खुश होगा तो फिर जीवन में किस चीज की कमी हो सकती है।
महात्मा हमेशा से समझाते हैं, जो कबूल हो खुदा को वैसी बंदगी मांगे, किसी के काम आ जाए ऐसे जिंदगी मांगे, कि किसी के काम आ जाए। अगर काम आते हैं तभी तो हमारे जिंदगी का महत्व है, तभी तो लोग ये कहेंगे कि ना, इन्होंने अगर भक्ति की बात कही है तो भक्ति किया है, इन्होंने सेवा की बात कही है तो इन्होंने सेवा किया है। और सेवा पर उपकार, जन कल्याण, दया, सत्संगत सब कह तो देते हैं, लेकिन करना इतना सहज नहीं होता। परमात्मा जिससे करवाते हैं वही कर पाते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है, साधु सेवा वो कर सकता जिससे स्वयं कराए ये। साध संगत को संबोधित करते हुए बाबा अवतार सिंह जी ने ये बात समझाई है कि परमात्मा जब सेवा करवाता है तभी हम कर पाते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साध संगत अपने मन को पवित्र रखे, इस निराकार के साथ जोड़ के रखे, सेवा में जितनी भागीदारी हो सकती है अपने आप को भागीदार बनाए, जिनका भी हो सके, जितना भी हो सके हम सपोर्टेबल बने, सहायक बने। यही हम सभी के लिए, हम सभी के जीवन में सतगुरु ने सेवा बख्शी है, सिमरन बख्शा है, सत्संग बख्शा है। तो सार संगत इसका हम संगतों में आनंद तो लेते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में जब इनको कर्तव्य रूप में पालन करेंगे तभी सत्संगत हमारा जीवन सुंदर होगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।